जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि दिसंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर दिस मंथ? ओके, सो फॉर ऑल द एरीज पीपल, आई थिंक इट्स अबाउट द कार्ड वी हैव इज द थिंकिंग वुमन। अच्छा, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल चुके हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यू नो लाइक इस जर्नी में समझ रहे हैं या आप एनालाइज कर रहे हैं या कर सकते हैं दिसंबर मंथ में, मुझे ये लग रहा है। एंड स्पेशली आई एम गेटिंग लाइक यू आर यू नो लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग एंड यू आर रियलाइजिंग लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारा कुछ है जो आप यू नो अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हैं। इट्स अबाउट दैट आप सोच विचार में पड़े हुए हैं, या मे बी इट्स अबाउट कि आगे बढ़ना है, स्टेप फॉरवर्ड है और एक पहली सीढ़ी चढ़नी है, तो आपको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। हालांकि यू नो आपको साइंस मिल रहे हैं, आप सिंक्रोनिसिटी कई लोग देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक चीज़ मुझे फिलहाल ये चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि आप कहीं ना कहीं शायद स्केप्टिकल है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे या क्या होगा। सो उस चीज़ की परवाह मत करिए और आगे बढ़ते जाइए, जो होगा अच्छा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की फॉर ऑल द एरीज पीपल। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ फॉर दिस मंथ? एरीज पीपल, यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो अंदर से काइंड हार्टेड, यू आर लाइक वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर मैरिज, इन योर मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं। एंड अगर आप किसी के साथ यू आर इन अ लव कनेक्शन, तो मुझे ऐसा लगता है दैट लाइक देयर इज़ अ कनेक्शन जिसमें आप अपने एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं शायद और आगे बढ़ना चाहते हैं। बट स्पेशली आई एम गेटिंग दिस कार्ड फॉर मैरिड पीपल, बहुत ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है। यू नो लाइक यू आर लाइक अंदर से यू आर हैव दैट इमोशन, यू आर रियली पुटिंग एफर्ट्स और वो दिख रहा है इन योर मैरिज एंड ऑल दैट। ऑन द अदर हैंड योर पर्सन दे आर लाइक, अच्छा मुझे आई एम गेटिंग टू स्टोरीज। हो सकता है एरीज पीपल आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस है, क्योंकि वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द थर्ड पार्टी या इस पर्सन के पास चॉइसेस हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। साइलेंस, मुझे साइलेंस दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है दे आर वेटिंग फॉर चेंज, डेस्परेटली दे आर वेटिंग फॉर चेंज। और आप कहीं ना कहीं इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में कंटेंट फील कर रहे हैं, आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। एरीज पीपल, आप सब कुछ, इट्स ऑल अबाउट यू, योर एनर्जी, यू आर यू नो लाइक मैं गार्ड तो नहीं कहूँगी कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, बट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, मैं ये ज़रूर कहूँगी। और आपके जो पर्सन है दे आर गार्डिंग देमसेल्फ्स और थर्ड पार्टी में है ये पर्सन एंड दे आर वेटिंग फॉर चेंज। अच्छा, हो सकता है ये पर्सन यू नो इन्होंने भी अपनी लाइफ में फेस किया है सब कुछ, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो, या ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपने आप को यू नो लाइक वो एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि शायद उनको मैटर नहीं करता, बट अंदर से दे आर वेटिंग फॉर अ चेंज, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। आउटकम क्या है? अगेन आई थिंक कोई आपकी तरफ आना चाहता है और
मुझे लगता है कि ये पर्सन आप लोगों में ना यू नो एक अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड है, यू शेयर दैट बॉन्ड, और ये पर्सन आपकी तरफ यू नो दे हैव इमेंस लव फॉर यू एंड यू नो दैट वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट जगलिंग. मुझे लगता है एरीज पीपल दे आर टोटली यू नो कंटेंट इन देयर एनर्जी, और साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है आप उनको देख रहे हो बिकॉज यू आर मोर लाइक कंसर्न अबाउट योर मनी थिंग एंड यू वॉन्ट टू यू नो गेट देयर, और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं. तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है इस पीपल के लिए कि येस डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे. हालांकि मुझे इनकी जो टेंडेंसी है दैट इज यू नो सॉर्ट ऑफ प्लेयर टेंडेंसी, बिकॉज ये पर्सन भी जगल कर रहे हैं अगर आप मुझसे पूछे तो. येस देयर दे आर डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी, कुछ है थर्ड पार्टी में बहुत चीज़ें आती है. कुछ लोग पूछते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब है हो सकता है कि वो अपने काम में इन्वॉल्व हो या कुछ कर रहे हों या वट एवर, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी में आती हैं, या एक्चुअली में दे आर डीलिंग विद समबडी, तो ये भी पॉसिबल है. बट नेवर माइंड, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट कि कोशिश तो कोई कर रहा है लेकिन शायद वो कोशिश अभी ज़ाया जा रही है. क्यों? क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी पे अपने आप पे काम कर रहे हैं एंड इट्स अ गुड थिंग. अगर हमें कुछ ना समझ आ रहा हो देन वी शुड यू नो लाइक एक्सेप्ट इट फॉर अ वाइल और अपने आप पे आप काम कर सकते हो. ओके नाउ वी शुड टॉक अबाउट योर करियर. करियर वाइज ये जो महीना है ये कैसा रहेगा? फॉर ऑल द एरीज पीपल दिसंबर मंथ जो है वो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? ओके फॉर डिसम्बर मंथ आई एम गेटिंग लाइक आप जगल कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. देखिए मुझे लगता है कि इट्स अबाउट आप यू नो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं. इट्स अबाउट टेकिंग अ स्टेप और ये पहला ही स्टेप है. आई डोंट थिंक कि मतलब मान लीजिए आप किसी यू नो इट्स अबाउट जर्नी, आप जर्नी बिगिन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पास्ट हर्ट्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, मुझे पास्ट पेन बहुत दिखाई दे रही है. इट्स अबाउट शुरू से सब कुछ शुरू करना है, वो चीज़ें हैं. एंड येस एकदम से कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ बदलाव है, या आप वेट कर रहे हैं कि कब वो बदलाव आएंगे. तो फॉर एरीज पीपल आई एम गेटिंग दिस ओनली. एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू नो कुछ चेंज हुआ है इन द पास्ट, कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं लाइफ में, अब वो चीज़ नहीं रही है. सो इट्स अबाउट वर्किंग यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच फॉर ऑल द एरीज पीपल. सो वक्त लगता है हर चीज़ को. नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज लाइक यू आर यू नो पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स. एट ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग, इसका क्या मतलब है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोडिपेंडेंसी हो रही है इन मनी एंड ऑल दैट. सो यस जगल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है लॉट ऑफ जगल, लॉट ऑफ यू नो लाइक बैक एंड फोर्थ गोइंग ऑन इन योर करियर. कभी कभी आप क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं, तो इस महीना भी मुझे थोड़ा सा यही दिखाई दे रहा है. आई एम सॉरी टू से दैट, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी यू नो कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से यू हैव टू बिल्ड इट. एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू नो लाइक तभी आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी जो आप अचीव करना चाहते हैं. कुछ हट के आपको सोचना पड़ेगा, कुछ नया परसेप्शन लाना पड़ेगा कि क्या इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कुछ चेंजेस आ सके. तो मुझे एरीज पीपल के लिए यही चीज़ दिखाई दे रही है. लाइक मान लीजिए आप लोगों की परवाह ना करते हो, आप आगे बढ़िए. हो सकता है आप सोचते बहुत हैं, ओवर थिंक करते हैं कि क्या ऐसा होगा ऐसा होगा. सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या कर रहे हैं वो आपको यू नो कहाँ कैसे लेके जाएगा, कैसे बेटर प्लेस में आप आएंगे. तो ये चीज़ मुझे दिख रही है. लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द एरीज पीपल. क्या गाइडेंस है? ओके आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, काम इन द सेंस लाइक आप अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ बिल्डअप करने की, कुछ मेहनत करी, तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं. आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है ये आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से पता है कि क्या लेट गो करना है. ऐसा क्या है आप कहीं जगल कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है, बहुत चीज़ें कुछ परेशान कर रही है, कुछ चीज़ें पुल बैक कर रही हैं. तो इट्स अप टू यू, आपको सोचना होगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं. काफ़ी टाइम से हमारे पास ये कार्ड
कई मतलब बहुत बार मैंने ये कार्ड देखा है दैट यू नीड टू लेट गो फॉर ऑल द एरीज पीपल. आई थिंक यू आर कैरिंग सम बर्डन्स और इट्स अबाउट यू नो थर्ड पार्टी इश्यूज या कुछ भी है. इट्स यू नो कुछ चीज़ें हैं पास्ट बर्डन एंड इट्स अबाउट यू नो बहुत कुछ सोचते रहते हैं, पुराना सोचते रहते हैं. तो इट्स यू नो इट्स टाइम टू लेट इट गो और नए तरीके से कुछ अच्छा स्टार्ट करें, कुछ बिल्डअप करें. एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू नो जगलिंग. आई थिंक यू आर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि येस और कुछ नए आइडियाज़ इंक्लूड करने का टाइम आ गया है, आगे बढ़ने का. मतलब कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो साथ में यू नो लाइक आपको एक सोचना होगा कि अगर हम इसको इंक्लूड कर लें तो कैसा रहेगा या ऐसा करें. यू नीड टू बी यू नो कम आउट ऑफ योर शेल और कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, नए तरीके से उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. तो फॉर ऑल द एरीज पीपल आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए. मतलब एक वो जो एक जोन है ना लाइक वो स्टार्टिंग हो चुकी है. इट्स अबाउट दैट बहुत कुछ आइडियाज़ भी दिमाग में आ रहे हैं, बहुत कुछ सोच भी रहे हैं, बहुत कुछ यू नो लाइक यू आर थिंकिंग अ लॉट. लेकिन अब उस पर वेन क्या उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अब उसका भी टाइम है आगे. तो फॉर दिसंबर मंथ मुझे यही दिख रहा है. सो दिस इज़ इट. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.